नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि बहनों आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड किसी भी राज्य और किसी भी शहर की कोई भी अपडेट आती है तो हम सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर लेके आते हैं। आज हम स्टूडियो में बात करने वाले आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता। जी हाँ बहनों, मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज देखने वाले कि मांगे हुई बहनों की पूरी, बहनों को मिला बड़ा तोहफा। जी हाँ बहनों की अगर मांगे यहां पर पूरी हुई है तो बहनों को यहां पर बड़ा तोहफा है वो मिला है। दीपावली का मानदेय में भी आपके जो बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है, दीपावली पर आपका मानदेय कितना बढ़कर आने वाला, मैं सारी जानकारी आपको बताने वाला हूं। कार्यकर्ताओं को 18,000 रुपए, सहायकों को 12,500 रुपए, साथ में आपको पेंशन सुविधा भी यहां पर मिलने वाली है। सारी जानकारी बहनों स्टूडियो में आपको देने वाला हूं तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ में आप जिस शहर और जिस राज्य से बिलोंग करते हो वो जरूर कमेंट करें ताकि हम आपके राज्य और आपके शहर की भी आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड अपडेट आपको देते रहे। तो चलो बहनों देखते हैं सारी जानकारी। तो सबसे पहले बहनों आज के मुख्य समाचारों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के आह्वान पर शुक्रवार को आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम IDM को ज्ञापन सौंपा। जिला महामंत्री सुशीला शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनी, ग्राम साथिन को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की यहाँ पर मांग की गई। उन्होंने बताया कि राज्य कर्मचारी घोषित नहीं करने तक 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में कार्यकर्ता का मानदेय देने व आशा कर्मियों को एक ही विभाग में समायोजित करने की बात यहां पर की गई है। उसके अलावा आप यहां देखते हो आशा सहयोगिनी के केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी के बाद भी राशि व एरियर नहीं देने पर भी यहाँ पर बड़ी बात कही गई है। बहनों द्वारा ग्राम साथिन एवं आशा सहयोगियों के बजट में 200 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर सम्मानजनक बढ़ोतरी कराने और ग्राम साथिन को वर्दी के रूप में यहाँ पर साड़ियाँ दिलाने सहित अन्य मांगों का ज्ञापन देकर शीघ्र ही मुख्यमंत्री से समाधान करने की मांग है वो यहाँ पर की गई है। ज्ञापन देने वालों की अगर बात करें तो यहाँ पर जिला संगठन मंत्री शीला जांगिड़, मंत्री सुरेश नागर, केतुली मीणा, आशा सहयोगिनी संघ की कार्यकारी जिला अध्यक्ष संगीता सेन और हंसा नाफित, सीमा सेन व भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री सुरेश प्रकाश शर्मा भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर अगर बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य का कर्मचारी घोषित दर्जा देने और कर्मचारी राज्य का कर्मचारी घोषित करने की यहाँ पर बात की गई है। क्योंकि बहनें लगातार हड़ताल पर और बहनों की प्रथम मांग यही है कि जब तक हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाए तब तक हमारी सैलरी 18,000 रुपये मंथली में मिलनी चाहिए और जब हमको सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाए तो सरकार अपने हिसाब से हमें सैलरी है वो देना शुरू कर दे। तो यहाँ पर आपके लिए बड़ी खबर है बहनों के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने और कर्मचारी का दर्जा मिलने तक न्यूनतम मजदूरी देने की मांग को लेकर सोमवार को महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी भेजा है। यहाँ पर अगर पूरी बात करें तो आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष पूजा चौधरी ने धरने को संबोधित करते हुए कहा है कि आंगनबाड़ी कर्मियों व आशा सहयोगिनियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। कर्मचारी घोषित होने तक उन्हें कर्मशः 18,000 रुपये व 9,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाए। मिनी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता को मुख्य आंगनबाड़ी के बराबर मानदंड का भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। महामंत्री सुशीला शर्मा ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के तहत PF पेंशन और ग्रेच्युटी और चिकित्सा सुविधाएं भी हमें दी जानी चाहिए। इसके अलावा आप यहां देख सकते हो स्थान पर 2,250 रुपये प्रतिमा मिलेंगे, मानदेय की बड़ी राशि केंद्र सरकार देगी। इसके अलावा आपको दीपावली पर 2,250 रुपये बढ़कर आने वाला है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं की 5,00,000 तक की निःशुल्क बीमा सुविधा का भी लाभ दिया जाएगा। उसके अलावा आप यहां देख सकते हो आशा वर्कर्स को अब फ्री में पेंशन सुविधा मिलेगी। जी हां बहनों को यहां पर फ्री में पेंशन सुविधा भी अब मिलने वाली है। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ाने के अलावा अब आशा वर्कर्स को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मुफ्त में दी जाएगी। इस तरह उन्हें निःशुल्क पेंशन भी मिलेगी 2,00,000 की। इन दोनों बीमा योजनाओं के तहत
किसी भी तरह का प्रीमियर आशा बहु को नहीं देना होगा। इसका पूरा खर्च केंद्र और राज्य सरकार उठाएगी। आशा बहु को स्मार्टफोन भी केंद्र सरकार देगी ताकि वे रजिस्टर की जगह स्मार्टफोन पर एंट्री कर सके। यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आई है बहनों के लिए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने मांगों के समर्थन में किया प्रदर्शन। अगर पूरी बात करें तो आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका अपनी मांगों के समर्थन में 3 दिसंबर को हड़ताल पर रही थी। इसके बावजूद शुक्रवार को झारखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में जिला कार्यालय पहुंचकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की। 7 सूत्रीय मांगों के समर्थन में सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए उन्होंने मुख्य पथ पर चलकर पहुंचे और प्रदर्शन के बाद प्रतिमंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांगों पर गौर करने की यहाँ पर बात कही गई है। इसमें सेविकाओं को मानदेय 20,000 एवं सहायिकाओं को 15,000 और उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने, पेंशन लागू करने, यात्रा भत्ता 50% सेविकाओं को योग्यता के अनुसार सुपरवाइजर में नियुक्त करने और स्थायीकरण करने, पूर्व की तरह टी आचार लागू करने आदि की मांग यहां पर की गई। अगर पूरी न्यूज की बात करें तो सेविका व सहायिका अपनी मांगों के समर्थन में 3 सितंबर को हड़ताल पर रही थी। इसके बावजूद शुक्रवार को झारखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में जिला कार्यालय पहुंचकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की। 7 सूत्री मांगों के समर्थन में सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए मुख्य पथ पर चलकर पहुंचे। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांगों पर गौर करने की बात कही गई है। इसमें सेविकाओं को मानदेय 20,000 रुपये एवं सहायिकाओं को 15,000 रुपये और उम्र सीमा है वो यहाँ पर 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने और पेंशन सुविधा देने के साथ में यात्रा भत्ता भी आपका 50% सेविकाओं को योग्यता के अनुसार सुपरवाइजर में नियुक्त करने और स्थायीकरण करने और पूर्व की तरह टी आचार लागू करने आदि की यहां पर मांग की गई है। इस दौरान परमंडलीय संयोजक गुलजार अंसारी, प्रदेश के सदस्य प्रदीप शर्मा और जिलाध्यक्ष जयंती देवी और जिला सचिव मिनहाज अंसारी और कुसुम देवी अर्चना समेत यहां पर सुमन देवी सहित बड़ी संख्या में सहायिका एवं सेविकाएं मौजूद थी। यहां पर एक बड़ी खबर बहनों के लिए निकल के आई है। झारखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अपने मांगों को लेकर गुरुवार को बाल विकास परियोजना कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया व मांगों के समर्थन में परबाई सीडीपीओ गीतांजलि कुमारी को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं ने जिलाध्यक्ष कर्षणा मेहता के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। मौके पर जिलाध्यक्ष कर्षणा मेहता ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की मांगें जायज है। पिछली बार हड़ताली आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाओं ने मांगों के समाधान करने के आश्वासन और हड़ताल को खत्म कराया गया था, परंतु आज तक मांगों को लेकर सरकारी स्तर से ठोस पहल नहीं की गई। इस कारण आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका अपने ठगा महसूस कर रही है। यहाँ पर बात करें जिला मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन होगा। यहाँ पर 3 सितंबर से बेमियादी हड़ताल हुई थी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका एकजुट है, जब तक मांगे पूरी नहीं होती हड़ताल उनकी जारी रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो 2256 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से लटक जाएगा ताला, तो यहाँ पर ताला भी लटका दिया गया था। बहनों के द्वारा आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका व पोषण सखी लंबित मांगों को लेकर यहाँ पर 3 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगी। इनके हड़ताल पर चले जाने से जिले में संचालित कुल 2256 आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लटक जाएगा। शुक्रवार को जिले के तमाम सेविका सहायिका व पोषण सखियों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर हड़ताल की चेतावनी दी। इस दौरान मोर्चा की जिलाध्यक्ष विमला देवी ने कहा कि सरकार की वादा खिलाफी के विरोध एवं मानदेय बढ़ोतरी को लेकर यह अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। बताया कि 2018 में भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पोषण सखी हड़ताल के बाद मांगों पर सरकार की ओर से लिखित समझौता किया गया, लेकिन 1.5 साल बीते जाने के बाद भी उन समझौतों पर कोई भी पहल सरकार की ओर से नहीं की गई है, जिसकी वजह से झारखंड की सेविका सहायिका व पोषण सखी में सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त है। बताया कि 3 सितंबर से यहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल बहनों ने किया था और 4 सितंबर को रांची के मुहेरबादी मैदान में भी धरना प्रदर्शन किया था। उसके अलावा बताया गया कि 2018 में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका व पोषण सखी की हड़ताल के बाद मांगों पर सरकार की ओर से लिखित समझौता किया गया, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी उनको समझौते पर कोई पहल सरकार के द्वारा यहाँ पर नहीं की गई है।
तो बहनों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ बहनों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको मिलते रहे। साथ में बहनों आप जिस शहर और जिस राज्य से बिलोंग करती हो वो जरूर कमेंट करें ताकि हम आपके राज्य और आपके शहर की भी आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं से रिलेटेड अपडेट आपको देते रहे। तो बहनों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।